हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि एक आर्ट वीडियो था, एंड इट वॉज अबाउट पिचवाय आर्ट ऑन वेस्ट ड्राई फ्रूट ट्रे। सो उसका वीडियो और उसके शॉर्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया, आपको वो आर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आई थॉट क्यों ना मैं उसका एक फुल ट्यूटोरियल लेके आऊँ। जो पहले वीडियो मैंने पोस्ट की थी वो कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं था, सो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस DIY को ट्राई करने में, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई ट्राई टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट कंसिस्टेंटली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले, जिनको नहीं पता है, ये एक ड्राई फ्रूट ट्रे है जिसमें आपको जनरली शादियों में या फेस्टिवल्स में ड्राई फ्रूट पैक होकर मिलते हैं। तो मैंने वही ट्रे ली है क्योंकि सेम वही ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश की है। अभी एक टेम्पलेट बनाया है हम, क्योंकि पिछवाई पेंटिंग इस पर करने वाले हैं। और अगर आपके पास ये बोर्ड नहीं है, ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगा, तो आप इसकी जगह नॉर्मल MDF बोर्ड या फिर सिंपल कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे सर्कुलर शेप में या जिस भी डिज़ायरेबल शेप में आपको कट करना है, कट करके और ये पेंटिंग कर सकते हैं। अब एक टेम्पलेट बनाया है और टेम्पलेट के अंदर मैंने काओ लिया। क्यों? क्योंकि पिछवाई आर्ट में जनरली काओ यूज़ होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर काओ ड्रॉ करेंगे। टेम्पलेट बनाने से आपकी पेंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अब आपको इसे कट करने के बाद इस तरह से इसका एक आउटलाइन बना लेना है इन द मिडल ऑफ योर एरिया। ठीक है, मिडल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। बाकी आपकी विश है, आप चाहें तो एक पर्टिकुलर साइड में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से टेम्पलेट बनाने से आपका ये बेनिफिट हो गया, आपको पूरी, जिनको काओ ड्रॉ करनी नहीं आती, एक पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करनी प्रॉपरली नहीं आती है, उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया और सेंटर में भी बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये ड्रॉ करने के बाद इसका एक आउटलाइन हमारे पास अवेलेबल हो गया है। अब हमें इसे ज़्यादा विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये नॉर्मल 10 रुपीज़ का जो डोम्स का मार्कर आता है, ऐसे किसी भी ब्रांड का आप मार्कर ले सकते हैं, 10 रुपीज़ वाला परमानेंट मार्कर, उससे जिसकी फ़ाइन टिप हो, उससे मैं इसकी आउटलाइन कर दे रही हूँ। इससे आपको ईजीली विजिबल होगा पेंटिंग करने के लिए कि आपको किस तरह से क्या पैटर्न पर कौन सा कलर पेंट करना है। अब जो इनर डिज़ाइन उस टेम्पलेट पर बना हुआ था, मैं सेम एज इट इज़ बना रही हूँ, और ये सेम वही डिज़ाइन है जो लास्ट ट्यूटोरियल में भी था, जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आप ये नई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आप अपनी विश से कोई भी पैटर्न, कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। वी जस्ट हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल, द मेन मोटिव इज़ दिस। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा डिज़ाइन बनाया सो दैट आप में से कोई भी इसको ईजिली ट्राई कर सके। अब हम पेंटिंग करना शुरू करेंगे। सो सबसे पहले एक बेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारा एक डार्कर बेस है, रेड कलर का बेस है, तो इसमें हम एक लाइट कलर करेंगे। और वाइट से बेटर किसी भी कलर पे पेंट्स अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं, तो हमें वाइट बेस लेना है। आप चाहें तो इस पर वाइट पेंट कर सकते हैं या आप जैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक पेंट अप्लाई किया है। जो एक्रेलिक कलर्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो फेविक्रिल के कलर्स हैं, और जो ब्रश है ये इसका साइज़ है 1। तो आप इस तरह से एक बेसिक इस पर वाइट पेंट कर दीजिए, एक बेस क्रिएट कर लीजिए। और इसको पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं, ड्राई होने के बाद मैं इसका सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। सेकंड कोट अप्लाई करने का मेन रीज़न ये है, जब भी आप किसी पेंट को फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं एज अ बेस, तो आपने देखा होगा उसमें अच्छे से पेंटिंग नहीं होती, वो एक इवन नहीं होता। तो इवन क्रिएट करने के लिए, एक इवननेस लाने के लिए आपको उसका सेकंड कोट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप देखेंगे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अब अगर आप इसके बाद कोई भी पेंट अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, उसमें क्लैरिटी होगी। अब आप खुद नोटिस कीजिए सेकंड बेस करने के बाद ये कितना क्लियर है। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइंस में पेंट करना है। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक नेवी ब्लू कलर लिया है, और उससे जो भी इसका डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं वो उस पर हमने बेस क्रिएट कर लिया है। इसका भी सेकंड कोट करना ज़रूरी है बिकॉज हमारा बेस डार्कर है। अगर हमारा बेस लाइट कलर का होता तो शायद फर्स्ट कोट से भी ईजिली
इवननेस आ जाती, बट अब इवननेस नहीं आ सकती, इसलिए हमें जो भी पेंट हम करेंगे ये सारे पेंट्स का हमें सेकेंड कोट सेकेंड लेयर लगाना बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग को आप बेस्ट एन्जॉय तभी कर पाएंगे जब आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी लाएंगे। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सेम एज इट इज़ कलर करें या एज इट इज़ पैटर्न्स बनाएं, आप अपनी विश से इन्जॉय करते हुए कुछ भी पैटर्न बनाइए, कुछ भी कलर कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे ऑरेंज एक्रेलिक कलर को यूज़ करके इसके मुकुट को डिज़ाइन किया है। फिर उसके बाद ये यान कलर है जो आपको पता है सी ब्लू सी ग्रीन जैसा होता है, सो आप इसको ले सकते हैं। और इससे क्योंकि हमारा बेस ब्लू डार्क ब्लू कलर का था तो इससे एक लाइटर का बहुत अच्छी विजिबिलिटी आएगी। सो इस तरह से रफली आपको पेंट करना है, आपको बस इन्जॉय करना है इसको पेंट करते वक्त। अब मैंने डॉट्स क्रिएट की हैं। डॉट्स क्रिएट करने के लिए आप स्मॉलर बिगर इक्विपमेंट्स जो मंडला आर्ट के लिए आते हैं उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और इधर अगर आपके पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं हैं, आप फर्स्ट टाइम इस तरह का पेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब में इन्वेस्ट करें। आप सिंपल ईयरबर्ड्स को ले सकते हैं और ईयरबर्ड्स से भी इस तरह की डॉट्स ईजिली क्रिएट हो जाती हैं। फॉर स्मॉलर डॉट्स यू कैन ट्राई मैट स्टिक्स से स्मॉलर बन जाएंगी, ईयरबर्ड से बिगर वन बन जाएंगी। अब इसमें थोड़ी और डिटेलिंग ऐड कर देते हैं। गोल्डन कलर से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा विजिबल होगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे पास गोल्डन कलर नहीं था अभी अवेलेबल, तो मैंने मास्टर्ड येलो कलर से ही इसको किया है, बट अगर आपके पास गोल्डन कलर है आप उससे कीजिए। अब लास्ट में हम इसमें आउटलाइनिंग करेंगे और आउटलाइनिंग के लिए मैंने फिर से वही फाइन टिप वाला परमानेंट मार्कर लिया जो 10 रुपीज़ का आता है। आप अगर आपके पास अवेलेबल है इससे थोड़ी सी जो मोटे टिप वाला ब्रश आता है, मोटे टिप वाला पेन आता है, आप उसे लीजिए और उससे इसकी आउटलाइनिंग कीजिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी मेरे को डबल आउटलाइनिंग करनी पड़ी टू मेक इट विजिबल। तो इस तरह से आप इसको आउटलाइन कर दीजिए। आउटलाइन करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा इसका लुक आया है और फाइनल आउटकम कुछ ऐसा है। इसकी मैंने शेडिंग भी की है पिंक कलर से, बट उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने ये डॉट्स क्रिएट की हैं, ये वाइट पेंट से डॉट्स क्रिएट की हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे हैप्पी। बाय।